हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, एंड उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। अगर आप में से कोई रिसर्च करना चाहें और यहाँ से करने में समर्थ हों, आई कैन से, और आप जा सकते हो करने, तो आपको ट्राई करना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप बाकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे जो अपडेट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट 16th of September तक एक्सटेंड हुई है। सो बाकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। देन यहाँ एडमिशन का सेक्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो पहले उसे ओपन होने देते हैं, एंड अगर नहीं हो तो आप इस पर ही डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा। ये जो ऑप्शन आ रहा है जिसमें लास्ट डेट एक्सटेंडेड वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो भी जो एडमिशन्स का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। एंड आपको इसका लिंक वैसे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुरंत ना मिले तो कुछ टाइम के बाद देख लीजिएगा, कुछ आवर्स के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। सो इसमें ही ये ITEP की है। देन आप इसके बाद PhD देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कैटेगरी है, एंट्रेंस होगा। हेल्प डेस्क है, नंबर है, कोई भी इशू है आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट 16 September है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, ग्रीन टैब दिख रहा है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन है, देन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अपडेट किया गया है वो है, एंड एडेंडम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर ब्रोशर देखेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन। एंट्रेंस एग्ज़ाम कैटेगरी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2+3+2 पैटर्न से या 10+2+5 पैटर्न से आपने अगर मास्टर्स डिग्री ली हुई है, क्वालिफाई की हुई है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड डिपेंड, ये जो डिपार्टमेंट्स है वो डिपेंड करते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मार्क्स 55% हैं तो यू आर एलिजिबल। देन बाकी इन्फॉर्मेशन अभी हम ब्रोशर में देखेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको दिखा दिया है। एप्लीकेशन फ़ी अदर्स दैट इज़ जनरल OBC WS आप सभी के लिए 1500 है, SC ST के लिए 750 है, PH ट्रांसजेंडर्स के लिए 0 है, ठीक है। एंड मोड ऑफ सेलेक्शन तो एंट्रेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एंड फिर सेलेक्शन होगा। डेट्स, लास्ट डेट इज 16 September। नाउ दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको बता दी हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे वो है डीन्स स्कूल, ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एंट्रेंस। तो आपको मैंने बता दिया है कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह बता दी है, राइट। तो एंट्रेंस होगा CBT मोड से होगा, कुछ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे देना होता है। एंड यस, अगर आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे जनरल कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो क्योंकि मैंने क्राइटेरिया बता दिया है तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट आप पढ़िएगा, अगर आपको किसी पॉइंट में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टाई हो जाते हैं मार्क्स में या जो भी क्राइटेरियाज हैं, तो उस केस में कैसे सेलेक्शन होगा, ये लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अलग अलग क्राइटेरिया हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर्स। तो ये सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, इसे आप ऑप्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको एंट्रेंस देना होगा। प्रोसीजर बता दिया है, एंट्रेंस 70% का जो मेरिट है उसमें 70% वेटेज एंट्रेंस का होगा, 30% आपके PI और एकेडमिक रिकॉर्ड का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगेन मास्टर्स 55% मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। नाउ सब्जेक्ट्स एंड क्राइटेरिया सेम है, 55%, बस यहाँ सब्जेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। इनटेक एंड सब्जेक्ट की बात करें तो एंथ्रो में 4 सीट्स हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी 4, बैंकिंग टेक्नोलॉजी 35, देन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी 9, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स 14, बायोटेक्नोलॉजी 4, केमिस्ट्री 28, कॉमर्स में 5 है पुदुचेरी कैंपस एंड 9 कराईकल एंड 4 कम्युनिटी कॉलेज। देन CSE है कंप्यूटर साइंस, इसमें 16 पुदुचेरी कैंपस, 22 कराईकल एंड 11 कम्युनिटी कॉलेज। देन डिजास्टर मैनेजमेंट 4, अर्थ साइंसेज 14, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज 4, इकोनॉमिक्स 8, एजुकेशन 9, मास्कॉम 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 13, इंग्लिश 8, पुदुचेरी 4 कम्युनिटी कॉलेज, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी 6, फूड साइंस न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोटल 16, यहाँ पे MTech वगैरह चाहिए। देन फ्रेंच 6, ग्रीन
अर्थ सॉरी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी 27, हिंदी 4, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेक्शन है ना अपने डिपार्टमेंट का, प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस 25, मैनेजमेंट में 34 पुदुचेरी कैंपस, 7 कराईकल, 5 कम्युनिटी कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट मरीन बायोलॉजी 9, पोर्ट ब्लेयर, देन मैथ्स 4, माइक्रोबायोलॉजी 4, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 18, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 4, पुदुचेरी 3, कम्युनिटी कॉलेज, फिजिक्स 33, संस्कृत 4, सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी 4, सोशल वर्क 4, वीमेन स्टडीज 6, स्टैट 16, टूरिज्म स्टडीज 4, तमिल 2, पुदुचेरी 2, कम्युनिटी कॉलेज। तो ये थे सीट्स, ओके। देन कुछ यहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ के लिए भी यू कैन अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल। सो सबसे पहले ICMR का VCRC है, दैट इज़ वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर पुदुचेरी। इसमें जोलॉजी में 1 इनटेक है, माइक्रोबायोलॉजी में 8 है, ठीक है। पहले था 1, 1, देन 8। देन ICMR का रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जिसमें मेडिकल एंटोमोलॉजी 2, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 2 है। देन ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पोर्ट ब्लेयर, टेक्सोनॉमी 2, इकोलॉजी 1, जू जियोग्राफी 1, मरीन बायोलॉजी 1 एंड फिशरीज 2। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग PIMS पुदुचेरी नर्सिंग में यहाँ पे 4 है। देन मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, फार्मेसी 4, नर्सिंग 28। देन इकोल फ्रेंकाइज डी एक्सट्रीम सॉरी ओरियंट पुदुचेरी, संस्कृत 2। देन फ्रेंच इंस्टीट्यूट जिसमें इंडोलॉजी में 1 है, इकोलॉजी में 1 है, सोशल साइंसेज 1। देन मानकुला विनयागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी गलत प्रोनाउंसिएशन है तो आई एम रियली सॉरी, इसमें AC की है 11 सीट। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 7, एग्रोनॉमी 5, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 4, सॉयल साइंस 4, वेजिटेबल साइंस 3। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, मरीन बायोलॉजी 6, देन माइक्रोबायोलॉजी 6, बायोटेक्नोलॉजी 6 एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2। देन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेट साइंसेज, वेट एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें वेट बायोकेमिस्ट्री में है 2, देन पैथोलॉजी 2, पब्लिक हेल्थ 2, मेडिसिन 3, एनिमल रिप्रोडक्शन 2। देन कांची मामुनिवर सेंटर फॉर PG स्टडीज, बॉटनी 6, कॉमर्स 6, इंग्लिश 4, फिजिक्स 10, तमिल 13, जोलॉजी 4, केमिस्ट्री 3, एंड दैट्स इट। ये ओवरऑल सीट्स थे, ज़रूरी नहीं है हर सीट पे सिलेक्शन हो, बट मैक्सिमम ये सीट्स अवेलेबल हैं, तो देख लीजिएगा, इन इंस्टीट्यूट्स के भी वेबसाइट्स विजिट कर लीजिएगा, रिव्यू देख लीजिएगा, एंड उसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई, ओके। सो ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी यहाँ फीस वगैरह है और भी जो इन्फॉर्मेशन है दी हुई हैं, ठीक है, तो इन सबको देख लीजिए। जैसा मैंने पहले कहा, कोई इश्यू है तो बताइएगा। येस, यहाँ फेलोशिप मिलती है क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपके पास नेट वगैरह नहीं है तो भी अगर एडमिशन होता है तो 8,000 पर मंथ यू विल गेट, प्लस आपको 10,000 कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलता है। बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह देख लीजिएगा, एंड यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेरी है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो यस गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड लास्ट डेट इज 16, सो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।